नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के केवल इंडिया में। आज हम बात करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि खेल से संबंधित हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 क्वेश्चनों को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत व पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। आपके पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी शतरंज। आपका ऑप्शन सी सही है, हॉकी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कौन सा है। आपके पास ऑप्शन चार हैं, ऑप्शन ए ईडन गार्डन, ऑप्शन बी युवा भारती स्टेडियम, ऑप्शन सी वानखेड़े स्टेडियम, ऑप्शन डी ब्रेबोर्न स्टेडियम। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही है, युवा भारती स्टेडियम। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी टेनिस। ऑप्शन सी हॉकी सही है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है, हॉकी से। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, एक हॉकी मैच की समय अवधि कितनी होती है। आपके पास ऑप्शन है ए 50 मिनट, बी 60 मिनट, सी 70 मिनट, ऑप्शन डी 80 मिनट। इसमें से आपका ऑप्शन सी सही है, 70 मिनट। एक हॉकी मैच की समय अवधि कितनी होती है, 70 मिनट। पांचवा क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। इसमें से आपका ऑप्शन सी सही है, 5। छठा क्वेश्चन है, सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होती है। आपके पास ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी रग्बी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। आपका ऑप्शन बी सही है, रग्बी। सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या किसमें होती है, रग्बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है, टी शब्द का संबंध किस खेल से है। आपके पास ऑप्शन है ए क्रिकेट, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी फुटबॉल। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही है, गोल्फ। आठवां क्वेश्चन है, ज्योति रांधवा किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी टेबल टेनिस, ऑप्शन डी टेनिस। इसमें से ऑप्शन बी सही है, गोल्फ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एशियन गेम्स कहाँ खेले गए थे। ऑप्शन आपके पास चार हैं, ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी कोलंबो, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी ढाका। इसमें से ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली। प्रथम एशियन गेम्स कहाँ खेले गए थे, नई दिल्ली में खेले गए थे। आपका दसवां क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल में टोपिंग क्रीज की माप कितनी होती है। आपके पास ऑप्शन चार हैं, ऑप्शन ए 7 फुट, ऑप्शन बी 6 फुट, ऑप्शन सी 5 फुट, ऑप्शन डी 4 फुट। इसमें से आपका ऑप्शन डी 4 फुट सही है। टोपिंग क्रीज की माप कितनी होती है, 4 फुट। ग्यारहवां क्वेश्चन है, खेल क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है। ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी राजीव गांधी खेल रत्न, ऑप्शन डी ध्यानचंद पुरस्कार। इसमें से ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार सही है। बारहवां क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए 1992 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1961 में, ऑप्शन डी 1969 में। इसमें से ऑप्शन सी सही है, 1961 में। तेरहवां क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 अगस्त, ऑप्शन बी 29 जनवरी, ऑप्शन सी 28 अगस्त, ऑप्शन डी 29 अगस्त। इसमें से आपका ऑप्शन डी सही है, 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को।
14वां क्वेश्चन है, खेल दिवस किस खिलाड़ी के जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन डी कुमार रणजीत सिंह। इसमें से ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद सही है। आपका 15वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही है, मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? मिल्खा सिंह की आत्मकथा है।